सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको फोटो एडिट करना, मतलब फेस स्मूथ और जो स्माइल और हेयर, जो ये सब जितना भी फोटो मैं आपको दिखाया हूँ इसमें, तो इसी वीडियो में आपको सब बता दूंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपको सब इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा और आपको कोई दूसरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। तो इसी वीडियो पर बने रहिएगा कि कैसे फोटो एडिट होगा, कैसे फेस स्मूथ होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो को ले लेना है। तो मैं सिंपली इस फोटो को देखिए आपको एडिट करना सिखाऊंगा। तो इसको हम शेयर कर लेंगे सबसे पहले अपने लाइटरूम ऐप पर। तो लाइटरूम ऐप पर यूज करने के बाद तो हम सिंपली लाइटरूम ऐप पर जाएंगे। तो ये सब आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो सिंपली आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप स्टेप बाई स्टेप देखिए, तभी आपको सब समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लाइट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो देखिए मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ, तो आप भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कर लीजिएगा। वाइटनेस को थोड़ा सा हम कम करेंगे, इसकी शेडो जो है थोड़ा सा बढ़ाएंगे। फिर थोड़ा सा कलर वाले ऑप्शन पे आएंगे, मिक्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करने के बाद अब इसको थोड़ा जो है ब्राइटनेस अपने फेस का बढ़ा देंगे पूरा। तो पूरा देखिए मैंने बढ़ा दिया है, तो कुछ इस प्रकार का था, कुछ इस प्रकार का हो गया है। तो अब आपको सिंपली डन कर देना है। फिर इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, फिर इसकी क्लियरिटी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फिर ये जो इसका जो विगनेट है थोड़ा सा हम इतना रखेंगे। फिर इतना होने के बाद फिर ऊपर शेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। शेयर टू वाले ऑप्शन पे जाने के बाद अब आपको अपना जो है फेस स्मूथ करना है। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, तभी आपको सब समझ में आएगा। ऑटो डेस्क वाले ऑप्शन पर जाएंगे, तो ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो इतना होने के बाद फिर हम इसको डिस्कार्ड कट करें। अब इस न्यू वाले फ़ोटो को हम स्मूथ करेंगे। तो इस वाले ऑप्शन पे जाइएगा आप, फिर ये वाला ब्रश हम यूज करेंगे। इस वाले ब्रश का यूज करने के बाद इसका जो सेटिंग है तो आप कुछ इस प्रकार से रख लीजिएगा। अब ये जो साइज अपने फ़ोटो के हिसाब से रख लीजिएगा। फिर इसको हम जूम करेंगे। अब जूम करने के बाद अपने फेस पर थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पर करिएगा। थोड़ा सा इसका जो है साइज मैं बढ़ा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो फोटो है जो है स्मूथ हो रहा है अपना फेस जो है। तो इसी तरह आप भी करिएगा, तो आपका भी थोड़ा सा, पहले तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप धीरे धीरे करिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो एक बार ज़रूर ये इस ब्रश का यूज़ करिए। तो मैं भी इसी ब्रश का यूज करता हूँ। तो देखिए कितना अच्छे से ये जो स्मूथ हो रहा है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको समय समय मिलता रहे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए मैं किस प्रकार से स्मूथ कर रहा हूँ। और आगे इसका जो हेयर है और ये जो स्माइल जो कर रहा है, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊँगा। तो इसकी जो स्मूथ का जो स्पीड है, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो अब इसको अपने गैलरी में सेव कर लेंगे। अब हमें जो है इनकी जो स्माइल है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड होगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो हमें यहाँ से सबसे पहले इस फोटो को यहाँ पे सेव कर, शेयर टू डिवाइस कर लेंगे, तो ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इतना होने के बाद सेव कर लेंगे नीचे। फिर हम बैक आएंगे, फिर हम स्माइल यहाँ पर ऐड करने के लिए आपको फेस ऐप का यूज करना पड़ेगा। तो आपका जो नेट है वो ऑन रहना चाहिए। तो मैं उसी फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ। फिर हमें यहाँ पे स्माइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। स्माइल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद ये जो फर्स्ट वाला है क्लासिक वाला, इसको आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो स्माइल कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो आप भी अपनी फ़ोटो में स्माइल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं बिना स्माइल किए। तो हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद फिर यहाँ पर ऊपर जो है इसको हम सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद फिर हमें यहाँ पर जो इसका हेयर लगाएंगे। हेयर लगाने के लिए हमें यहाँ पर पिकचार्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो हम यहाँ पे पिक्सार टाइप का यूज़ करेंगे। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब जिस स्माइल वाला फ़ोटो आपने सेव किया था, उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब नीचे यहाँ पे देखिए ये जो फेस ऐप का ये जो लोगो आ चुका है, तो टूल्स वाले ऑप्शन पे जाइएगा। क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इसको नीचे से क्रॉप कर दीजिएगा। तो यहाँ से हम इसको राइट कर देंगे। अब ये जो है देखिए पूरा रियल लग रहा है। फिर हम यहाँ पर हेयर लगाएंगे, तो ऐड फोटो पर जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक हेयर का PNG हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा।
तो उस हेयर को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। इसको आप अपने फोटो हिसाब से यहाँ पे जूम कर लीजिएगा। जूम करने के बाद अब इरेज वाले ऑप्शन पे जाइएगा। अब यहाँ पे अपने ये जो फोटो के हिसाब से यहाँ पे अपने बालों के पास लाइएगा और यहाँ से इसको इरेज कर दीजिएगा ताकि ये जो है रियल लगे। फिर यहाँ से साइड से भी हम इसको इरेज कर देंगे। फिर इतना होने के बाद यदि ये छूट चुका है तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। फिर आप अपना फ़ोटो हिसाब से इसकी जो है साइज़ को कम बेसी कर सकते हैं। तो देखिए इतना होने के बाद फिर हम इसको राइट कर देंगे। अब आप अगर आप अपना फेस पे ब्राइटनेस और बढ़ाना चाहते हैं तो टूल्स वाले ऑप्शन पे आइएगा। एडजस्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद इसका जो है ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ से हम इसको राइट कर देंगे। पहले आप फोटो हेयर देख सकते हैं ऐसा था फिर ऐसा हो गया। तो मैंने फ़ोटो देखिए स्मूथ कितना स्मूथली किया है। तो इसी तरह आप भी कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी? अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो यहाँ से आप अपने गैलरी में सेव कर लीजिएगा तो ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो चलिए वीडियो अंत करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।